हेलो बच्चों कैसे सब सब आई होप आप अच्छे रिकर्शन बेस्ड चीजें आजकल काफी पूछी जाती हैं आपके एग्जामिनेशन में चाहे आप जी मेन की बात करें चाहे जे एडवांस की बात करें है ना और बोलाट कर रहे हैं माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू रूटर फोर एक्स माइनस थ्री ना और बोले कि एन A1 से, A1 से बड़ा है तेरह दो हजार तेरह के बराबर है और एन इक्वल टू वन से टू थाउजेंड ट्वेल्व के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है फॉर एन इक्वल टू वन से दो हजार बारह के लिए ये वाला रिलेशन होल्ड करता है इफ दिस इज इक्वल टू के देन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ के इज ठीक है ना तो बच्चे क्लास इलेवंथ वाले भी कर सकते हैं अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है तो फंक्शन का इतना कोई यूज नहीं है ठीक है ना ये जस्ट एक रिलेशन दिया हुआ है और उसके हिसाब से आपको काम करना है ठीक है तो बेसिकली ये पूरा पूरा जो सवाल है दैट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस और सीक्वेंस का एक अच्छा सवाल है आप जरूर कीजिएगा चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सवाल को करना एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस की फॉर एनी इक्वल टू वन से टू जीरो के लिए एक रिलेशन दिया हुआ है एंड वट इज दैट रिलेशन एन इक्वल टू वन से टू जीरोन प्लस वन इक्वल टू कितना दिया बच्चों एफ ऑफ एन और देखो यहां से हमारे पास एक एक्स के लिए भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एफ एक्स के लिए एक्सप्रेशन क्या है माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू रूट अंडर फोर एक्स माइनस थ्री अपॉन टू है ना माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू रूट अंडर फोर एक्स माइनस थ्री अपॉन टू और एक्स की वैल्यू तीन से क्या दी हुई है बड़ी दी हुई है ना अब सोचना एक चीज कि अगर मैं यहां से एफ ऑफ एन निकालू है ना यहां से एफ ऑफ एन निकालू चलिए एन प्लस वन इज एफ ऑफ एन तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि ये रिजल्ट क्या दे रहा है ना तो एफ ऑफ एन जैसे निकालोगे आप दिस इज गोइंग टू बी माइनस एन प्लस एन इन टू रूट अंडर ऑफ फोर एन माइनस थ्री और होल अपॉन टू है ना अब इसको टू को इधर ले आते हैं तो टू एन प्लस वन और ये माइनस एन इधर ले आएंगे तो प्लस एन एंड एक रूट अंडर फोर एन माइनस थ्री मैं क्या कहता हूं दोस्तों आप इसको स्क्वायर कर दो है ना तो दोनों साइड जैसे ही आप स्क्वायर करने जाओगे है ना दोनों साइड जैसे स्क्वायर करने जाओगे तो दिस इज फोर टाइम्स एन प्लस वन स्क्वायर स एन स्क्वायर और प्लस फोर टाइम्स एन प्लस वन इन टू एन है ना और इक्वल टू कितना आ रहा है एन स्क्वायर इन टू फोर एन माइनस थ्री अच्छा अभी अगर मैं बात करू फोर एन प्लस वन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और यहां फोर एन प्लस वन इन टू एन ना फोर एन प्लस वन इन टू एन था और इधर कितना फोर ए एन क्यूब माइनस थ्री ए एन स्क्स थ्री एन तो अगर ध्यान से देखो तो मेरे ख्याल से थ्री एन आओगे तो इधर भी एक रिजल्ट बन रहा है मुझे फोर एन प्लस वन स्क्वाइनस थ्री एन स्क्वायर आप इधर से इधर ले आओगे तो कितना बन जाएगा फोर एन स्क्वायर और प्लस क्या है फोर एन प्लस वन इन टू एन एंड दैट इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ बच्चो फोर ए एन क्यूब आप देख सकते हो कि जो ये है फोर ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा है ना और उधर लिखा हुआ ए एन क्यूब तो मैं इनको इधर डिवाइड कर दूं बच्चों तो प्लस ए एन स्क्वायर और प्लस ए एन प्लस वन इन टू ए एन दिस इज इक्वल टू वन किसके लिए फॉर एन इक्वल टू वन टू थ्री टिल टू जीरो वन टू के लिए ये रहेगा एन इक्वल टू वन से टू जीरो वैल्यू आ रही है है ना ये पक्का हो चुका है ना अब हम लोग देख सकते हैं क्या कि हमें जो क्वेश्चन दिया है ना इसमें इसके सिग्मा की बात हो रही है इसके सिग्मा की बात हो रही है तो एक चीज आप बड़े ध्यान से देखिएगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि इसमें ऐसा फील नहीं आ रहा है क्या कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर टाइप का दिया हुआ है तो इसमें हम लोग ए माइनस बी से अगर आपको याद हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे है ना बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे तो इस चीज को मैं अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं तो ए वन प्लस मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं इसमें जो स्मार्ट चीज है वो कर रहा हूं है ना इसमें मैंने क्या किया कि ए आई प्लस वन का होल क्यूब और अपॉन जो ये लिखा हुआ ना ए आई स्क्वायर प्लस ए आई इन ए आई प्लस वन और प्लस ए आई प्लस वन का होल स्क्वायर है ना इसमें मैं कुछ सब्ट्रैक कर AI, AI plus, one, रहा हूं एंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नथिंग आई का क्यूब अपॉन ए आई देखना क्यूब अपॉन ए आई प्लस ए आई इन आई प्लस इंटू ए आई प्लस वन सेम चीज रख रहा हूं डिनोमिनेटर में अब बोलोगे सर आपने ये पूरी चीज सब्ट्रैक कर दी आंसर इज यस ये पूरी चीज मैंने क्या दी? कर दी बच्चों सब कर दी तो ये एड भी करना पड़ेगा मतलब प्लस क्या करना पड़ेगा सिग्मा आई इक्वल टू वन से टू जीरो होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नेक्स्ट क्वांटिटी है ये क्या चीज आने वाली है अभी अभी हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है अभी अभी हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है क्या प्रूव किया है कि वन से टू जीरो वन टू के लिए वन से टू जीरो के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ए एन क्यूब अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन इन एन दिस इज वन है ना तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आप वन रखो टू रखो थ्री रखो टू जीरो वन टू तक ये सारे टर्म्स वन 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 होंगे तो यानी वन 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 कितनी बार आएंगे कुल मिला के आएंगे बच्चों दो हजार बारह बार तो उधर से दो हजार बारह और ये ए वन एड हो गया और प्लस अब यहां जो मसाला है ये बहुत सिंपल हो चुका है अब टू जीरो, जीरो ए आई प्लस वन माइनस ए आई की ऊपर एक टर्म तो आएगा बच्चों ए आई प्लस वन माइनस ए आई और दूसरा एक टर्म आएगा ए आई प्लस वन का स्क्वायर प्लस ए आई स्क्वायर प्लस ए आई प्लस, प्लस वन इंटू ए आई वो नीचे से पूरी तरीके से साफ हो जाएगा यानी सिर्फ और सिर्फ आपका ये एक्सप्रेशन बचने वाला है इसकी बात कर लेते हैं इसकी बात अगर करते हैं तो ये एक्सप्रेशन कितना आने वाला है आप सोचो खुद से मुझे लग रहा है कि देखो इसमें कैंसिलेशन होने चालू हो जाएंगे जैसे अगर मैं आई इक्वल टू वन से टू जीरो वन टू तक करूंगा तो चलो मैं यहां पे करके दिखा देता हूं तो वन रखने पे ए टू माइनस ए वन ठीक है ना टू रखने पे ए थ्री माइनस ए टू और ऐसे चलता जाएगा तो ए दो हजार तेरह माइनस कितना ए दो हजार बारह ए दो हजार बारह तो आप देख सकते हो कि ए टू गया ए थ्री गया ए दो हजार बारह गया तो यानी बचेगा कितना इसमें ए दो हजार तेरह ए दो हजार तेरह माइनस ए वन तो ए वन इज गॉन और ए वन इज गॉन और यहां पे ए दो हजार तेरह किसके बराबर है दो हजार तेरह दो हजार तेरह और प्लस दो हजार बारह है ना तो दिस फोर जीरो टू फाइव और अगर इसका सम पूछ रहा है तो मेरे ख्याल से पांच दो सात चार ग्यारह यानी कि जो इसका आंसर आएगा गाइस दैट इज इलेवन तो बिल्कुल आप डेफिनेटली लिख के बताइएगा कि आपको ये पर्टिकुलर सवाल कैसा लगा एंड हाउ डिड यू प्रोसीड कुछ किया था नहीं किया था कहां तक पहुंचे थे डेफिनेटली अगर आपको मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बतलाइएगा थैंक यू वेरी मच